हेलो फ्रेंड्स, मॉम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इज एम आर के बारे में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इज एम आर बच्चों को इस तरीके से बॉक्सेस बनाकर दें और उसमें इज लिखें। इज लिखकर बताएं कि इज किस किस के साथ लगता है। जैसे ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ इज लगता है, इट के साथ इज लगता है और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है। जिस जिसमें हमारा ही, शी, इट सिंगुलर नाउन आएगा उसमें इज हम लगाएंगे। एम एम आई के साथ यूज होता है, इसको हम आई के साथ ही लगाते हैं। आर दे वी यू प्यूलर आर हमारा दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ और प्यूलर के साथ लगता है। ये चीज बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो बच्चों को सेंटेंस आराम से बनाने आ जाएंगे। जॉइन द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, से देम अलाउड। बच्चों को इस तरह से चार्ट बना के दें। जैसे मैंने लिखा है आई, यू, वी, दे, बॉयज, ही, शी, इट, मदर, इसके साथ एम, आर, इज और लिखा इटी। इस तरीके से कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, स्टडिंग भी लिख सकते हैं हम, सिटिंग भी लिख सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह से बताएं कि आई के साथ एम, जैसे आई एम इटिंग, यू आर इटिंग, वी आर इटिंग, दे आर इटिंग, बॉयज आर इटिंग, ही इज इटिंग, शी इज इटिंग, इट इज इटिंग, मदर इज इटिंग। अगर बच्चे बार बार इसी चीज को बार बार एक ही सेंटेंस को बार बार बोलेंगे इस लगाकर यूज करके, तो बच्चों को आसानी से सेंटेंस बनाने आएंगे और समझ में आएंगे कि एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है और इज किसके साथ लगता है। इस तरह से बच्चों को बना कर दें चार्ट। यूज ऑफ इज एम आर, जब बच्चों को समझ में आ जाएगा कि किस कहां कहां हमें इज लगाना है, कहां एम लगाना है, कहां आर लगाना है, तो इस तरीके से वर्ड्स लिख के दें और उनसे कहें कि इसमें इज एम आर लिखें। जैसे आई के साथ एम, इट इज, ही इज, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर, वर्ड्स आर, सीता एंड गीता नेम है, ये नेम भी दो है इसलिए यहाँ पे भी आर लगेगा। अगर एक होता तो हम इज लगाते। इस तरीके से बच्चों को इस बना कर दें तो बच्चे इसमें इज एम आर ये सब लिखना सीखेंगे। सर्किल द करेक्ट वर्ड्स, ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उस पर सर्किल लगाना है जो सही है। जैसे एम के साथ क्या लगाएंगे हम, हाँ? आई के साथ एम, यू के साथ हम आर लगाएंगे, यू आर इटिंग, वी आर इटिंग, इट इज इटिंग, दे आर इटिंग, कैट इज इटिंग, बर्ड्स, इसमें प्यूलर है ये बर्ड्स इसलिए हम आर पे लगाएंगे, बर्ड्स आर इटिंग, ही इज इटिंग, शी इज इटिंग। इस तरीके से बच्चों को सेंटेंस दें, उन पर सर्किल लगाने के लिए दें। सिंपल सेंटेंस इज एम आर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ पोस्टमैन, यू आर सिंगर, ही इज राजू, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर प्लेयर्स, यू आर माई सिस्टर, दिस इज अ कैप।
से सिंपल सेंटेंस बच्चों को दे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम 5 years old, तो हम लिखेंगे एम। वी आर बोथ स्टूडेंट्स, ही इज अ पोस्टमैन, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, यू आर टॉल, चॉकलेट्स आर स्वीट, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है चॉकलेट्स में, इसलिए हम यहाँ पे आर लगाएंगे। इस तरीके से बच्चों को वर्कशीट दे बनाकर समझाएं, बच्चों को इज एम आर के बारे में बताएं, तो बच्चों को आसानी रहेगी सेंटेंस बनाने में। थैंक यू।